आज की हमारी क्लास में हम एंड और को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है एंड और, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंड की इस्तेमाल या और का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके बारे में जाने। देखिए, हम इफ लगाते हैं, इजली से इफ लग जाता है, इफ पे हम लॉजिक भी दे देते हैं और अपना रिजल्ट भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे कि कल भी बताया था, आज दोबारा बताता हूँ आपको मैं, कि 50 को 80 हुआ तो 500 देना है, अदरवाइज 100। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हम इफ लगाएंगे तो मुझे मल्टीपल इफ लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे एंड लगा। एंड क्या करेगा कि अगर A2 अगर बड़ा है 50 से और वापस A2 छोटा है 80 से, ऐसा होता है तो क्या होगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। तो एंड हो या और हो, सबसे पहले रिजल्ट ट्रू फॉल्स में देता है, मतलब एंड और लगाते हैं तो उसके साथ इफ तो लगाएंगे अगर आपको अपना खुद का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम देंगे फॉर्मूला इफ का, इफ, और यहाँ पे हमने कर दिया कि अगर आया तो 500, नहीं तो 1, और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर। क्लियर है सर? समझ में आया सर आपको? जी तो एंड का यूज मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है। ओके, कोई भी चीज की जो जी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज और आती है कि कभी कभी हमें कंडीशन बढ़ जाते हैं, तो हम कंडीशन बढ़ा सकते हैं, घट गए तो घटा सकते हैं, और एंड जो है उसमें हर कंडीशन जो है आपको फुलफिल चाहिए। लेकिन अब और का क्या रोल होता है? तो और का रोल क्या होता है, तो चलिए और का रोल के बारे में जानते हैं। अब जैसे मैं इसको एक बार रीड करता हूं, और का रोल जानते, यहाँ पे वीक देता हूँ और यहाँ पे मैं मान लीजिए सैटरडे संडे दे देते हैं, और यहाँ पे हमें ऑफिस स्टेटस शो करना है, तो सैटरडे ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज ओपन होना चाहिए। अब एंड जो है, एंड क्या करता है, मल्टीपल एंड जो है मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, लेकिन मेरे पास सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमें किसी एक कंडीशन को ही चेक करना है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि मेरे पास सैटरडे संडे में ऑफिस को ऑफ करना है या फिर अदरवाइज ओपन करना है। और फॉर्मूला यूज कब होता है, जब कंडीशन बहुत सारा हो लेकिन कोई एक हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें सैटरडे या संडे दोनों में से एक ही हो सकता है ना, दोनों तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने यहाँ पे और फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। और फॉर्मूला चेक करेगा कि सैटरडे संडे है या नहीं, अगर सैटरडे संडे है तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। बट मुझे अपना खुद का रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ इफ कंडीशन इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पे ओपन और क्लोज जो डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोज और ओपन होगा ना, रिजल्ट आपके सामने है। ओके सर, तो यहाँ पे दो चीज समझ लीजिए, एंड का इस्तेमाल कब होता है, एंड का इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कंडीशन मल्टीपल होता है लेकिन सारे के सारे रिक्वायर होते हैं। कंडीशन मल्टीपल है लेकिन सारे के सारे रिक्वायर, समझ गए? और का यूज कब होता है, और का यूज कब करते हैं, जब कंडीशन सिंगल हो और रिक्वायर ना हो, कोई एक भी चले। अब क्या हो जब मल्टीपल कंडीशन होता
जैसे मान लीजिए किसी का रिजल्ट है, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट कर देते हैं, और फिर मुझे यहाँ रिजल्ट देने, नेम यहाँ पे डाल देते हैं। नाम अपने बताया था ना कस्टम लिस्ट, एक्सेल ऑप्शन के अंदर कस्टम लिस्ट में हमने लिस्ट डाल रखा है। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये जो चीजें दिख रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि मेरे पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मेरे पास क्या है, रिजल्ट्स है, और मुझे यहाँ पे पास और फेल करना है। तो हर सब्जेक्ट में अगर 30 से ज्यादा है तभी पास होगा, अदरवाइज हम फेल करेंगे। तो यहाँ पे हम एंड का इस्तेमाल करेंगे और वन बाय वन हम देते चले जाएंगे चारों कंडीशन। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 30 हुआ, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया कि ग्रेटर देन 30 हुआ, फिर इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 30 है, फिर हमने सब्जेक्ट 4 को सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 30 है। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आएगा, और जैसे कि बताया कि मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगा दूंगा और इफ के फॉर्मूले में कर दूंगा पास और फेल, तो ट्रू फॉल्स को पास और फेल के ऊपर बदल देगा। ठीक है सर, और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आपके सामने आ जाए। तो इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अब चलिए और का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ आईडी प्रूफ है, पासपोर्ट, डीएल, डीएल, वोटर आई कार्ड, और यू आई डी। अब इसमें वाई लगा हुआ है, जहां जहां अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आईडी प्रूफ सबमिट किया गया, तो एक भी आईडी प्रूफ किसी ने सबमिट किया, अब कोई है एक से ज्यादा भी सबमिट कर सकता है, तो प्रॉब्लम है कि स्टेटस में मुझे ओके करना है अदरवाइज पेंडिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म है कि इस यहाँ पे कोई स्टेटस कोई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक भी स्टेटस हो सकता है, तो कैसे करें। अब यहां पे हम चलिए करते हैं, इफ तो लगेगा लगे, पहले हम और लगाते हैं। तो हम पहले स्टेटस को चेक करते हैं कि सारे, अगर इसने पासपोर्ट अगर दिया है तो वाई होना चाहिए, वोटर दिया है तो आई वाई होना चाहिए, अगर डीएल दिया है तो वाई होना चाहिए, यूआईडी अगर है तो यहां पे वाई होना चाहिए। अगर सारा वाई है तो स्टेटस में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लेकिन ट्रू को ओके और पेंडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इसके आगे इफ लगाना है, इफ और बाद में आप कॉमा करके कर दीजिए ओके, अदरवाइज पेंडिंग, सिंपल।
और फिर इसको एंटर की तरफ एंटर मार के पेस्ट कर दीजिए नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि ओके और स्पेंडिंग दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन का क्या हो जब दोनों का कंबाइन, दोनों का कंबाइन एग्जाम्पल हो तब क्या? कंबाइन एग्जाम्पल मतलब ये हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें हमें बोला गया है पैन कार्ड, एक 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 और स्टेटस जुट जा रहा है पैन, और यहाँ पैन में हमने वाई कर दिया और हमने बोला कि पैन इज कंपल्सरी, कि पैन के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, सो पैन तो देना ही पड़ेगा, और पैन के अलावा इसी में से किसी एक को दे सकते हैं, ठीक है, तो पैन तो होना ही चाहिए और पैन के अलावा बाकी इसमें से कुछ एक लेना है हमें। तो इस केस में हम एंड और को कंबाइन करेंगे, हम यहां लिखेंगे फॉर्मूला एंड का, तो पैन तो कंपल्सरी है तो पैन को एंड में डाल देंगे और यहां कर देते हैं इन्वर्टर कॉमा में उबाय। उसके बाद मैं यहां पे और करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं जो कंपल्सरी नहीं है, कोई एक है, तो यहां पे हम और के अंदर में उसको डाल देते हैं। समझे सर, कोई डाउट आप लोगों को? नहीं, डाउट नहीं है। तो ये बात समझिए कि हमने क्या किया, हमने दो कंडीशन को यहां मैच किया, ठीक है, और दो कंडीशन को मैच करने के बाद रिजल्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स आया। अब ट्रू एंड फॉल्स को ओके और पेंडिंग आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें बात करते हैं एक्स और की, एक्स और, अब एक्स और फॉर्मूला क्या करता है, सुना है कभी एक्स और फॉर्मूला के बारे में? ये ना सुनने वाली फॉर्मूला है एक्स और। अब जैसे मान लीजिए कि आपको आपका ट्रांसफर हो गया है और दिल्ली और पुणे में से कोई एक चूज करना है, समझे, तो मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो गया है और आपको दिल्ली और पुणे में से कोई एक चूज करना है, आप दोनों चूज नहीं कर सकते हो, कोई एक नहीं चूज, कोई एक ही चूज करना, चाहे दिल्ली चूज करो या पुणे चूज करो, अगर आपने दोनों चूज किया तो गलत हो जाएगा, अगर आपने दोनों को छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला एक्स और का, एक्स और फॉर्मूला किसी एक को, अगर वाई वाई है तो फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स इक्वल टू ट्रू, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा एक्स और फॉर्मूला। तो यहां भी एक्स और फॉर्मूला हम इसी तरह से लगाते हैं, अगर दोनों में से कोई एक आया तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, अगर दोनों वाई हुए तो फॉल्स होगा, दोनों वाई नहीं हुए तो ट्रू होगा, पॉसिबल फॉल्स होगा मान लीजिएगा। तो ये एक्स और फॉर्मूला का इस्तेमाल। अब बात करते हैं कि एक्स और फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है। अब जैसे कि आप बताया सर एक्स और फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है, अब एक्स और फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली और पुणे है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों में से किसी एक में टाइप हो, दोनों में टाइप ना हो, तो इसमें लगाई गई एक्स और फॉर्मूले को मैं उठाऊंगा, एक सेल को सिलेक्ट करूंगा, डेटा मेनू बार के अंदर डेटा वैलिडेशन, जी हाँ डेटा वैलिडेशन में मैं जाऊंगा और यहाँ एनी वैल्यू के जगह पे कस्टम में जाकर फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, लेकिन फॉर्मूला पेस्ट करते समय इक्वल का इस्तेमाल करेंगे आप,
और यहाँ पे ओके कर देते हैं। और एक छोटी सी गलती कर दी हमने इसके अंदर, इसका ये नहीं किया, फ्रीज नहीं किया, तो इसका बी फ्रीज होगा, टू फ्रीज नहीं होगा, सी फ्रीज होगा और टू फ्रीज नहीं होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जरूर कीजिएगा और इसको ओके करके और कॉपी करके पूरे जगह जो एरिया है उस पे आप पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल में आप कर दीजिएगा वैलिडेशन। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, वैलिडेशन ओ कर दीजिए। आप सर ये फ्री जो कर, हेलो बोलिए सर, ये कौन सी शॉर्टकट की से करते हैं या डॉलर सीधा वैसे ही करते हैं प्रिंट पे जाके? F4 होता है और डॉलर की होता है, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। है सर, F4 होता है या डॉलर की होता है? अच्छा F4 में, F4 से कर सकते हैं या डॉलर की से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर में अपना एक्स और फॉर्मूला लगा दिया डॉलर के साथ, तो क्या हो गया, यहाँ पे बी को फ्रीज किया ताकि आगे जो ड्रैग करे तो बी सी ना हो जाए, और सी को फ्रीज किया डी ना हो जाए, बट टू को फ्रीज नहीं किया क्योंकि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो हमारा 2, 3, 4, 5 इंक्रीज हो। इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब मैं मान लीजिए कि दोनों में वाई लिखूंगा तो ये हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन किसी एक दोनों मिलाएंगे तो चलेगा, जैसे किसी एक में कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहा है और जैसे दूसरा में करूंगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हमें एरर देगा। तो एक्स और फॉर्मूले का यूज हम डेटा वैलिडेशन में करते हैं कि अगर दो चॉइस में से एक ही चीज को एंट्री करनी हो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज की एक्स और फॉर्मूले की क्लासेस हो गई खत्म, अब बात करेंगे नेस्टेड इफ की, और नेस्टेड इफ की क्लास लेंगे सर हम कल की क्लास में। तो ये फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ और आज की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आप लोग जो है बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर कल इसके बारे में हम आगे डिस्कस करें।